हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्चना। आप सबका स्वागत है पारद किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूं लौकी का रायता। इसके लिए मैंने एक लौकी ली है, इसके दोनों साइड को कट कर लिया। अब इसे छील लेते हैं। छीलने के बाद इसे धो लेना है। मैंने धो लिया है। अब लौकी को स्क्वायर शेप में कट करना है। इसके लिए मैं पहले लौकी के पीसेस कर लेती हूँ इस तरीके से। अब एक पीस को हाफ कट कर लिया। अब इस तरह से लंबे शेप में कट कर लेना है। अब देखिए ये स्क्वायर शेप में तैयार हो चुका है। इसी तरह से बाकी के लौकी को भी मैंने कट कर लिया है। अब इसे करना है बॉयल। इसके लिए मैंने पैन चढ़ाया है, पैन में डाल लिया है पानी। बॉयल आ चुकी है पानी में। अब इसमें डाल रही हूँ एक चम्मच नमक। नमक मिक्स कर लेते हैं और इसमें डाल लेंगे कटा हुआ लौकी। लौकी को 15 मिनट के लिए बॉईल करना है ताकि लौकी अच्छे से पक सके। तब तक कर लेते हैं हम मसाले को तैयार। देखिए बॉईल आने लगा है। मसाले के लिए मैंने लिया है सरसों के दाने 3 चम्मच, 6 कलियां लहसुन की और 2 हरी मिर्च। अब इन सबों का पेस्ट तैयार कर लेंगे। लौकी हो चुका है, इसे पानी से अलग करके ठंडा कर लिया है। साथ में लिया है मैंने दही। दही में डालना है अब ये लौकी। लौकी को डालने से पहले इस तरह से दबाते हुए लौकी का एक्स्ट्रा पानी निकाल लेना है। अगर आप इसी तरह से लौकी को डाल दीजिएगा तो रायता पतला हो जाएगा। देखिए इस तरह से कितना पानी इसमें निकल रहा है। अब देखिए इसमें से पानी निकल चुका, मैंने डाल लिया है दही में। बाकी के लौकी को भी डाल लेते हैं इसी तरह से। अब जो पेस्ट तैयार किया था, ये पेस्ट है लहसुन, मिर्च और सरसों का, तो इसको 3 चम्मच मैं रायते में डाल रही हूँ। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। साथ में डाल रही हूँ 1/2 चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर, 1/2 चम्मच काला नमक और सादा नमक। सादा नमक टेस्ट के अनुसार डालना होगा क्योंकि काला नमक भी डाला है, ध्यान से डालना होगा इधर। अब और डाला है मैंने इसमें चाट मसाला। इन सबों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद इसे देना है तड़का। इसके लिए मैंने गैस पे कलछुल चढ़ा लिया है। इसमें डाला है सरसों का तेल। अब डाल रही हूँ जीरा। जीरा चटक जाने के बाद डालेंगे इसमें सरसों के दाने। सरसों के दाने चटक कर बाहर आ जाते हैं तो इसमें जलने का भी डर रहता है। इसके लिए आप प्लेट से इस तरह से ढक कर सेफ रह सकते हैं। देखिए दाने चटक भी चुके हैं और बाहर भी नहीं आए। अब इसमें डालेंगे करी पत्ता। करी पत्ता को भी डालते समय ध्यान रखना होगा, इससे भी तेल में बाहर आने का डर रहता है। देखिए करी पत्ता भी डल चुका है, तड़का हमारा तैयार हो चुका है। अब इसे डाल लेते हैं रायते में। और मिक्स कर लेते हैं। हमारा रायता पूरी तरह से तैयार है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए रायता अब खाने और खिलाने के लिए रेडी हो चुका है। और सब्सक्राइब करने के बाद शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि आप जैसे मेरे फ्रेंड बने हैं वैसे और भी मेरे फ्रेंड्स बन सके। तो फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।